जय हिंद दोस्तों एंड आई वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी। दोस्तों भारत में 1952 में पहली बार जनरल इलेक्शंस हुए थे और आज़ादी के बाद से भारत का सफ़र बहुत ही चैलेंजेस से भरा था। डेमोक्रेसी को भारत में बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जिसको बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। इलेक्शन कमीशन के पावर और फंक्शन को जानने से पहले हम कुछ बातें इलेक्शन कमीशन के बारे में जान लेते हैं। पहले चीफ इलेक्शन कमीशन थे सुकुमार सेन। इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950 को और इसी दिन हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। पार्ट 15 आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर देता है कि सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन कंडक्ट कराने के, ये पावर्स आपके इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी था, सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। पर 16 अक्टूबर 1989 को भारत के राष्ट्रपति ने दो और नए इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया। फिर इलेक्शन कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गया था, बट जनवरी 1990 में इलेक्शन कमीशन को फिर से सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया था। फिर अक्टूबर 1993 में फिर से ये मल्टी मेंबर बॉडी बन गया था। वन चीफ इलेक्शन कमीशन एंड टू इलेक्शन कमिश्नर्स। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस बॉडी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट तभी रिमूव कर सकता है जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में रिमूवल का प्रोसेस स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाए विथ प्रूफ ऑल्सो। चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल 6 साल का होता है। इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी एंड क्वाशी जुडिशियल। एडमिनिस्ट्रेटिव को समझते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी फंक्शंस आते हैं। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी वोटर्स को ज्वाइन करना, समय समय पर इलेक्टोरल रोल को अपडेट करना और इलेक्शंस के डेट और शेड्यूल्स को नोटिफाई करना, नॉमिनेशन फिल करना, पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव चिन्ह देना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पूरे भारत में लागू करना, इलेक्शन मशीन्स को पूरे देश में पहुंचाना और पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करना और पार्टीज को ये क्लासिफाई करना कि वो नेशनल और स्टेट लेवल पे हैं अलग अलग, उनको अलग अलग करना। और ये सारे ही जितने भी फंक्शंस हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर आते हैं। अब समझते हैं एडवाइजरी के अंदर कौन कौन से फंक्शंस आते हैं। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट मेंबर्स की अयोग्यता से संबंधित मामलों को राष्ट्रपति को सलाह प्रदान करता है। इलेक्शन कमीशन विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता से संबंधित मामलों को भी राज्य के राज्यपाल को सलाह प्रदान करता है। यह राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास चुनाव को संपन्न कराने के लिए जरूरी स्टाफ को उपलब्ध कराने के लिए निवेदन करता है। ये 3 महत्वपूर्ण फंक्शन आपके एडवाइजरी के अंदर आते हैं। अब समझते हैं क्वाशी जुडिशियल क्या होता है। क्वाशी जुडिशियल में इलेक्शन कमीशन एक तरह से कोर्ट की तरह एक्ट करता है। पॉलिटिकल पार्टीज पर एक्शन ले सकता है। अगर वोटिंग के समय पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा किसी भी तरह की वायलेंस किया जाता है तो इलेक्शन कमीशन उनके ऊपर ऑफिसर्स इंक्वायरी के लिए बैठा सकता है। इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस और पावर ही इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाते हैं भारत जैसे इतने बड़े डेमोक्रेसी को। दैट्स ऑल अबाउट द इलेक्शन कमीशन। शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब, वी नीड योर सपोर्ट। जय हिंद।